इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कबीले पर बरकतें उतर रही हैं। लगता है तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा सोना होगा। बिल्कुल दाऊद उस्ताद, लेकिन ये हलाल हो। वो देखो कौन आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है। कौन आ रहा है? लाख लाख शुक्र है अल्लाह का। सलामत रहे आप, आबाद रहे। ये कोई नया बंदा है? खुश रखे अल्लाह आपको, सलामत रखे, आबाद रहे। जिनका इंतजार था वो आ रहे हैं। खुश आमदीद। हमें भी दिखाओ यार कौन है। कोनिया विनिया से आए होंगे। झंडा देख, झंडा झंडा देख, झंडा कौन सा? झंडा देख, झंडा। अरे काय कबीले का झंडा है। क्या पता काय कबीले के थोड़े थोड़े छोटे छोटे कबीले होंगे ना, जैसे वो थे अपने फर्स्ट सीजन में थोड़े मोटे से ना, गंजे से मूंछों वाले। भाई इन्होंने बग्गी विग्गी भी ले ली भाई। खुश आमदीद। आपकी बहुत ज्यादा तारीफें सुनी है हमने। आप वाला खातून है? जी बिल्कुल सही पहचाना आपने मुझे। मैं वाला खातून हूँ, बीवी हूँ उस्मान की। मुझे खुशी है कि उस्मान साहब ने इतनी हसीन और रिवायतों वाली दुल्हन मुंतखब की है। आप लंबा सफर तय करके आए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए मशरूब लाती हूँ। आए चले। बाबा उस्मान और चाचा जान कहाँ हैं? बाबा उस्मान और चाचा जान, ये नहीं समझा मुझे। बाबा मैं बताती हूँ साउची साहब। साउची? अरे ये साउची है, इतना बुड्ढा हो गया साउची। मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हैं? ये तो पतला सा था एरिथ्रल सीजन 5 में। आप क्या छुपा रहे हैं? मुझे जरूरी काम याद आ गया, इजाजत दें। देखने दो भाई। कबीले में क्या हुआ बाला खातून? उस्मान। क्या हुआ मेरे भाई को, बताएं खातून क्या हुआ? उस्मान भाई तो ठीक ही है वैसे, है ना? गुंदूस भाई ढूंढ रहे हैं इनको, इंशाल्लाह मिल जाएंगे। हमें कोई घोड़ा ढूंढना होगा। घोड़े का मतलब मुराद है जवान, और मुराद को पूरा करना एक बड़ा काम है। कितना सफर और बाकी है? क्यों, घोड़े के बगैर चलना मुश्किल लग रहा है? घोड़े तुर्क के पंख होते हैं, क्या परिंदा बगैर पंख के उड़ सकता है? नहीं कर सकता। दुलदुल मरने वाली थी, वो अली के बगैर सांस नहीं लेती थी, अली भी उसके बगैर नहीं चलते थे। जानता हूं मैं कि हम अली के पैरों की खाक भी नहीं है। क्या हमारा रास्ता भी वही नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन मुझे बताओ क्या हम उनके रास्ते पर चलने के लायक हैं? दरवेश जब घोड़े पर सवार होकर तलवार नहीं चला सकते तो वो उल्लू की तरह गाते हैं, हर तरफ दर्द ही दर्द। उस्मान साहब, अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो आपको हमारा दर्द भी सुनना होगा। आपकी तरफ से आए हुए दर्द से मुझे कोई मसला नहीं। अर्तुल भाई है ना, अर्तुल अंकल भाई तो नहीं बोल सकते ना, बे बोलते हैं भाई, सरदार जी, अर्तुल सरदार। पीछे से ही पहचान लिया उनको, पता है।
माशाल्लाह हुजूर, दाढ़ी देख, माशाल्लाह माशाल्लाह। हुजूर हुजूर, अल्लाह का शुक्र है हुजूर, हम ऐसे आकर मिले हैं जैसे चूटियां आकर मिलती हैं। अब्दुल रहमान गाजी, चाहे हमारे जिस्म एक दूसरे से दूर हों, हमारी खुशबुएं रहती हैं और ये खुशबू हमें हमेशा मिलाती रहेगी। ठीक कहा हुजूर, तुम फिक्र न करो, शुक्र है कि आपको ठीक ठाक देख रहा हूँ। जब तक आप हमारे साथ हैं, हमें किसी चीज की फिक्र नहीं। ये बताएं, आपकी सेहत कैसी है? अमानत संभाल रहा हूं और शुक्रगुजार रहने की कोशिश करता हूं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो मुझसे राजी है या नहीं। मुझे इसके बारे में बताया गया था, तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे पता है, आज नहीं तो कल तुम्हारी बहादुरी के किस्से और तुम्हारी कुर्बानियां हर जगह बताए जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बबसी के बारे में बताओ मुझे। हाँ। उसने अपना काम पूरा कर दिया है, वो आपके हुक्म पर रवाना होने के लिए तैयार है। और सलजान खातून? सलजान खातून, उन्होंने मुख्तलिफ पहाड़ों से हर किस्म की जड़ी बूटियां अपनी बीमारी के तदारुक के लिए इकट्ठी कर रखी हैं। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द हमारे साथ होंगी। इंशाल्लाह। मुझे तुम्हारी जरूरत होगी, जहां हमारी बात हुई थी उसी मुकाम पर मिलना। जैसे आपका हुक्म हुजूर। ये अभी तक ढूंढ रहा है, इसको तो दबोच लेना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ, क्या बोलते गुंदूस भाई, ने दबोचना चाहिए इसको भाई, मजा आएगी। इस तरफ गए हैं वो, पीछा करो उनका। चलो मेरे शेरो। घोड़े पे कुत्ते बैठे हैं, शेर थोड़ी बैठा है। शेरो बोले, शेरो। ए, ये नया बंदा एक और आ गया। कितने नए बंदे आ गए। अरे यार मेरे बेटे, खाओ ना मेरे यार, ताकतवर हो जाओ, जंग करीब है। बहुत जल्द तमाम कबाइल तुम्हारे कारनामे सुनेंगे। तुर्क सरदार अर्तुरुल साहब आ रहे हैं हुजूर।
मेरे यार, बूढ़ा भेड़िया आ रहा है, हिफाजत करनी होगी तुम्हारी, इसे ले जाओ। मुर्गी को ये क्या मतलब तकड़ा? किसके साथ आ रहा है अर्तुरुल? वो अकेले आ रहे हैं। सरताज, कितना खूबसूरत हो ना मैं। बनाने वाले का शुक्र है हुजूर। तन्हा भेड़िए आ जाओ। तन्हा भेड़िए आ भेड़िए खुश आमदीद हुजूर। खुश आमदीद। खुश आमदीद। बूढ़ा भेड़िया आ रहा है। बोले अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अर्तुरुल साहब, अगर आप मुझे अपनी आमद का बता देते तो मैं शिकार के मैदान में नहीं बल्कि अपने खैमे में मिलता आपसे। आपको कैसे पता चला मैं यहाँ? अगर हमें मालूम ना हो कि हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं तो हम ये भी नहीं जान सकते कि हमारे दुश्मन क्या कर रहे हैं। काई कबीला कैसा है? मेरी बहन गजल, मेरे बहनों इदुंदार साहब, उम्मीद है वो सब के सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। क्या तुम्हारा खेमा बड़ा है? चलकर देख लीजिए। खाने को कुछ है? मेरे पास से कोई मेहमान भूखा नहीं जाता। मेहमान को बाहर खड़ा रखते हो? खुश आमदीद अर्तुरुल साहब, खैमा आपका मुंतजर है। अरे ये वो है, ये बोला ना गजल, मेरी बहन, मेरा भिनोई। ये वो अच्छा। यार वाला कुछ तो नाम। हाँ, यार वाला कल अल सलान। हाँ, सलान कुछ तो रचाया है। देखते हैं अभी नेक्स्ट सीन में क्या होगा। बट अर्तुरुल भाई का भाई मजा आने वाला भाई। बूढ़ा भेड़िया बोला मेरे भाई को, मेरे अंकल को, इसकी तो भाई मजा आ गया भाई, एक नंबर। देखते अभी आगे क्या होने वाला है, क्योंकि उधर से उस्मान भाई निकल चुके हैं, सावची भाई कबीले आ चुके हैं, गुंदूस भाई ढूंढ रहे हैं उस्मान को, एंड उधर से वो पिल्ला भी ढूंढ रहा है इसका, ये यार वाला का अरसलान, और इसकी बैंड बजाएंगे, पुंगी बजा के जाएंगे अर्चल भाई। तो लेट्स सी कैसे पुंगी बजाएंगे। तो अगला देखते हैं कि समझ पा भाई। टेक केयर, सी।